खबर वही जो वतन के काम आए, खबर वही जो हिंदुस्तान को जगाए, खबर जिसमें देश हो सबसे पहले, खबर जो भारत का भविष्य बदले। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार छत्तीसगढ़, आपके साथ मैं हूं अंशु। वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबरों का। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी ने आज जांजगीर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता ली। इस दौरान उन्होंने अपराध और अपराधियों के नियंत्रण को अपना मुख्य उद्देश्य बताया। आईजी रतनलाल डांगी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पुलिस के ऊपर अपराधियों के संरक्षण का आरोप न लगे, यह उनका मुख्य उद्देश्य होगा। उन्होंने नौकरी लगाने के नाम पर ठगी जैसी घटनाओं को लगाम लगाने के लिए अपराध की विवेचना और कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए, ताकि ऐसे अपराधियों पर विराम लग सके। मीडिया से चर्चा के दौरान आईजी ने कहा कि ज्यादातर अपराधी जेल से छूटे हुए हैं, जिसकी वजह से अपराध का ग्राफ बढ़ा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल अपराधियों के लिए वरदान और पुलिस के लिए अभिशाप साबित हुआ है। वर्तमान में क्षेत्र में बढ़े चोरी के मामलों को देखते हुए उन्होंने रात्रि गश्त को बढ़ाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। जांजगीर चौपा से संजय पांडे की रिपोर्ट। पब्लिक के साथ में भी हम न्याय कर सकते हैं। सर, जिले में यातायात व्यवस्था बहुत लचर है और यहाँ की व्यवस्थाओं को छोड़ के आउटर पे लोग चेकिंग पॉइंट बना के वहाँ पे चेकिंग करते हैं। मैं आपके आने से पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी प्रभारी है, क्या नाम बताया था, उसको हमने डाजी का एसपी का ऑर्डर दे दिया जी। ये जो बता रहा हूँ ये कहानी मुझे कोरबा में बता रहा हूँ, ये खुद जाते हैं वहाँ पे। मैं बता रहा ना, जब मैं कल प्रेस मीडिया कार्यक्रम में था एक दो घंटे, तो वहाँ पर सब परिचित है, तो जो चीजें बहुत सारी आई थी, इसलिए हमने मीटिंग में पहले आते ही जो है एसपी मैडम है नहीं एस एस पी को बता दिया जी, उसको तुरंत चेंज था। ये शहर में रहकर के व्यवस्था संभाल है जी। जब माननीय गृह मंत्री जी बोल रहे हैं, डीजीपी साहब बोल रहे हैं, सीएम साहब बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि लोगों को तकलीफ। फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही, बाकी की छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जोहार छत्तीसगढ़। नमस्कार।